हेलो नंबर थ्री एंड यहां पर प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन नंबर थ्री माँ की आयु पिता की आयु से पांच वर्ष कम है दस वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात फाइव रेशियो सिक्स था तो माँ की वर्तमान आयु बताइए तो इसके लिए हम लोग अब मान लेंगे सबसे पहले पिता की आयु जो है वाई वर्ष है तो इसमें क्वेश्चन में देखेंगे माँ की आयु पिता की आयु से पांच वर्ष कम है तो माँ की आयु हो जाएगी वाई माइनस फाइव अब देख रहे हैं दस वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात तो दस वर्ष पूर्व माँ की आयु हो जाएगी y माइनस फाइव में माइनस टेन कर देंगे तो y माइनस फिफ्टीन और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी तो इस y में से 10 माइनस करेंगे तो y माइनस टेन अब इस कंडीशन देख रहे हैं दोनों की आयु का अनुपात मतलब इसमें और इससे डिवाइड कर दें तो फाइव बाई सिक्स होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई वाई माइनस टेन इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस सिक्स से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो सिक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में और फाइव से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स इंटू फाइव वाई माइनस फिफ्टीन और इज इक्वल टू फाइव इंटू वाई माइनस टेन अभी सिक्स दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिक्स वाई माइनस नाइनटी इज इक्वल टू फाइव हमको वाई फाइंड करना है तो फाइव वाई कंप्लीटली इधर आ जाएगा तो सिक्स वाई माइनस फाइव वाई हो गया और इधर माइनस फिफ्टी प्लस नाइन्टी हो गया या माइनस नाइनटी इधर गया है तो प्लस हो गया या प्लस फाइव इधर आया है तो माइनस फाइव वाई हो गया अब दोनों को सब्रैक्ट करेंगे तो वाई इधर हो गया वाई और इधर हो गया फोर्टी क्योंकि माइनस प्लस हमेशा हम लोग सब करते हैं और साइन रखते हैं जो बड़ा वाला नंबर रहता है तो वाई इज इक्वल टू फोर्टी ईयर्स मतलब कि पिता की वर्तमान आयु जो हो गई चालीस वर्ष हमको चाहिए माँ की वर्तमान आयु तो माँ की वर्तमान आयु पिता की आयु से पांच वर्ष कम थी तो y माइनस फाइव फोर्टी माइनस फाइव इज इक्वल टू थर्टी फाइव ईयर्स तो अतः माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी पैंतीस वर्ष अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स डी क्वेश्चन नंबर फोर माया अपने पांच वर्ष के बच्चे से इस समय बीस वर्ष बड़ी है अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की तीन गुनी हो जाएगी तो अब इतना निश्चित है क्वेश्चन से ही कि जो बालक है उसकी आयु पांच वर्ष है और वह अपने बच्चे से बीस वर्ष बड़ी है तो क्लियर है कि माया की आयु हो जाएगी 5 plus 20 इक्वल टू 25 ईयर्स। अब आगे क्वेश्चन है, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की तीन गुनी हो जाएगी? तो हम मान लें कि y वर्ष बाद उसकी आयु बच्चे की आयु की तीन गुनी हो जाएगी, तो y वर्ष बाद, माना कि y वर्ष बाद माया की आयु बच्चे की आयु की तीन गुनी हो जाएगी तो वाई वर्ष बाद हमारा माया की आई हो गई वाई प्लस ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी फाइव प्लस वाई इसमें हम लोग वाई ऐड कर देंगे इस ट्वेंटी फाइव में और बच्चे की आई में भी हमको वाई ऐड करना है तथा बच्चे की आई गई वाई प्लस फाइव अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या वाई प्लस ट्वेंटी फाइव यह होगा इसके थ्री टाइम्स वाई प्लस फाइव के तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू थ्री टाइम्स वाई प्लस फाइव इस को सॉल्व करना है तो इस थ्री दोनों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम टू रहेगा। 3 से में ले जाना पड़ेगा और प्लस ट्वेंटी राइट हैंड साइड में तो वाई माइनस थ्री वाई लेफ्ट में और राइट हैंड साइड में फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी थ्री वाई हो जाएगा माइनस टू वाई प्लस माइनस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक में से तीन घटाएंगे तो माइनस टू हो गया और वाई हो गया इधर फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव हो गया माइनस टेन हमको वाई चाहिए और वाई से माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन है तो वाई फाइंड करने के लिए हमको दोनों तरफ माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा तो माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टेन डिवाइडेड बाई माइनस टू अब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा वाई और राइट हैंड साइड में हो गया फाइव तो स मतलब पांच साल बाद माया की आयु बच्चे की आयु की तीन गुनी हो जाएगी जैसे देखें बच्चे की वर्तमान आयु पांच वर्ष है तो पांच वर्ष बाद बच्चे की आयु हो जाएगी टेन ईयर्स और माया की आयु हो जाएगी थर्टी ईयर्स तो थर्टी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स टेन यही हमारा आंसर हो गया